अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि ट्रैवल में दो चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली तो प्लानिंग और दूसरी उस प्लानिंग के हिसाब से पैकिंग। और जो अगर आपने पैकिंग ढंग से नहीं की, ज़रूरत की चीज़ें आपने नहीं रखी, तो आप उस जगह पर पहुंच कर कुछ ज़्यादा ही खर्च करोगे और फिर आपका बजट जो है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। हेलो जी, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद यर अनदर न्यू वीडियो। तो मेरे सामने जो सारी चीज़ें ये मेरे बैकपैक में जाने वाली है, और आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे इसेंशियल बताने वाली हूँ बैकपैक के, जो आपको मानसून के टाइम पे अगर आप कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हो पहाड़ों में, स्पेशली पहाड़ों में, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ट्रैवलिंग मैंने रियलाइज़ किया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम ट्रिप पे होते हैं, बैक पैकिंग ट्रिप पे होते हैं, तो आपको वहाँ पर जाके ज़्यादा खर्चना ना पड़े। तो बस एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो कि होता है आपका रक्सैक, जिसमें कि आप अपना मेजर सामान रखते हो। अब रक्सैक में, गुड क्वालिटी रक्सैक में आप इन्वेस्ट करो, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। जो रक्सैक मेरे पास है वो 60 लीटर्स का है, मैंने डीकैथलॉन से लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो सारे प्रोडक्ट के लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय सम प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली वो लिंक चेकआउट कर सकते हो, विच इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये है रक्सैक जो कि मैं यूज करती हूँ। मुझे कुछ 4-5 साल हो गए इसको यूज करते हुए, और आप देख सकते हो इसकी कंडीशन अभी तक बहुत सही है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ट्रैवल वेरी ऑफन, इफ यू डू, देन डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी रक्सैक। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपको मेरे ख्याल से 8-10 साल उसको देखना नहीं पड़ेगा आराम से। रफ टफ मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मतलब मेरे बैग में तो पता नहीं क्या क्या देखा है, स्पीति से लेके जांस्कर से लेके लद्दाख से लेके सब कुछ। तो या यू कैन सी द कंडीशन, वॉशेबल है, वॉश कर सकते हो, वाटर प्रूफ है। तो पहाड़ों में अगर आप जाते हो, बारिश हो जाती है, इफ यू आर ट्रैकिंग समवेयर, तो डेफिनेटली आपका वो बैग भीगेगा नहीं। सेकेंड बैग इज योर डे पैक, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डे पैक है, इस तरीके का आप कोई भी डे पैक ले सकते हो, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत सामान अपना यूज करने का, पावर बैंक, वाटर बॉटल, खाने के लिए कुछ सामान, अगर आप डे में कहीं इधर उधर घूमने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना रक्सैक लेकर नहीं जाओगे। तो इस तरीके के वाटर प्रूफ वाले रक्सैक में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पैक्ट है, ये ऐसे फोल्ड होके ना बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट सा भी बन जाता है। तो इस तरीके का डे पैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वाटर प्रूफ डे पैक में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इस तरीके का एक बैग का कवर ले सकते हो, जो कि आपके बैग को प्रोटेक्ट करता है। मेरे पास ये जो बैग का कवर है विच इज है, तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, जो कि ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता आता है और डीकैथलॉन में आपको मिल जाएगा। इसको आप अपने बैकपैक में लगा सकते हो, आपका बैकपैक भीगेगा भी नहीं। ऑल्सो यू कैन सी हाउ कॉम्पैक्ट दिस इज, वेरी कॉम्पैक्ट, आपके बैग में ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और बहुत ही लाइट वेट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनसून ट्रिप के लिए रेन जैकेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरा वाला ये जो रेन जैकेट है ये मैंने डीकैथलॉन से ही लिया है और बहुत ही सही है। ओवर साइज लो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जब आप बाहर होते हो, ट्रिप पे होते हो, तो डेफिनेटली यू आर कैरिंग योर बैकपैक एंड एवरीथिंग, और आप अगर अपने फिट के हिसाब से फिटिंग वाला रेन जैकेट ले लोगे, तो आप अपने बैग को अंदर कैरी नहीं कर पाओगे और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये जो रेन जैकेट है, आप देख सकते हो इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है, और ये यहाँ से एडजस्टेबल भी है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरा यहाँ से भीग जाएगा। तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, एंड इट इज वेरी नाइस इन क्वालिटी, बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट अब बैकपैक एसेंशियल में कैप भी आती है। अब जरूरी तो नहीं है कि पूरा दिन बारिश हो रही होती है, धूप भी होता है, तो डेफिनेटली यू नीड कैप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सन। देन आती है वाटर बॉटल, जो कि मैं हमेशा हर अपने बैकपैक इसेंशियल में आपको बताती हूँ कि वाटर बॉटल कैरी करना कितना इंपॉर्टेंट है, नो मैटर वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग। मुझे लगता है हर बारी जब आप एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल लेते हो, तो मुझे तो लिटरली अंदर गिल्ट आता है कि मैं प्लास्टिक ले रही हूँ, ये फिर बाहर जाएगा, इसको फेंकेंगे। तो एज मच एज पॉसिबल मैं अपने वाटर बॉटल जो है ढाबे रेस्टोरेंट वहाँ से फिल कर लेती हूँ, और उस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है पैसे भी बचते हैं, और एट द सेम टाइम एनवायरमेंट,
पैसे से भी ज्यादा बढ़ के एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट के लिए जितना हो सके आप अपना बिट कर सको तो डू कैरी योर वाटर बॉटल वेर एवर यू आर गोइंग। अब वाटर बॉटल की बात की तो खाने पीने की भी बात करती हूँ। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो ना, स्नैक्स जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, मंच करने के लिए कुछ कुछ चीजें होती है, लाइक मैं तो कैरी करती हूँ ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा जिसमें कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मैं रखती हूँ मिक्स करके, वॉलनट्स, पिस्ता, आलमंड्स, एंड इस तरीके से मैं अपने एक ड्राई फ्रूट का डब्बा कैरी करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई ट्राई टू कैरी प्रोटीन बार्स और इस तरीके की चीजें, सो दैट कि मुझे जब एकदम इंस्टेंट वाला जो हंगर होता है जिसमें हम जंक खाते हैं, मैगी खाते हैं, मैगी से याद आया मैगी में भी प्लास्टिक इन्वॉल्व है, और एक 10 रुपए की मैगी आप जब खाते हो तो डेफिनेटली उसका जो पैकेट है वो कितने सालों तक डिकम्पोज नहीं होता है और वो हमारे अर्थ में कितना कचरा फैला रहा है। तो कुछ अपने साथ लेकर चलो प्रोटीन रिच चीजें और इस तरीके से ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर चलो, तो आपके क्विक वाले हंगर को ये मिटा देगा और यस, आप फालतू के जंक खाने से भी बच जाओगे। नेक्स्ट, अब पानी की बात हो गई, खाने की बात हो गई, तो मुझे लगता है कि दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल चीज़ हो रही है तो मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ एज मच एज आई कैन, बट हाँ जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब डेफिनेटली आपको अपना एक खुद का किट रखना चाहिए, फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, जिसमें कि मैं रखती हूँ बैंडेज और बाम हो गया या फिर ऐसा क्रैप बैंड होता है जो वो रखती हूँ, सो दैट कि कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया तो आई हैव एवरीथिंग इन दिस पाउच। ट्रैवल में अगर वॉमिटिंग हो रही है, फीवर आ गया थोड़ा सा, तो उसके लिए बेसिक जो मेरे मेडिसिन है जो मैं लेती हूँ जब मुझे कुछ इमरजेंसी होती है, वो सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको भी अपना एक फर्स्ट एड किट बनाकर रखना चाहिए, और साथ में मेरा इनो भी होता है क्योंकि मुझे एसिडिटी बहुत हो जाती है खाने का जब भी टाइम ऐसा चेंज होता है, बिकॉज वेन एवर यू आर इन होम आप टाइम से नाश्ता करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, और ट्रैवलिंग में वो पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स स्ट्रेंज बट हाँ, क्या करें, जरूरी है राइट। अभी ये नेक्स्ट थिंग इज टॉयलेटरी वाला बैग। अब इन सारी चीजों को ना ऐसे अलग अलग बैग में रखने का एक बड़ा बड़ा अच्छा फायदा है कि आपको ढूंढने के लिए ऐसे इधर उधर खंगालना नहीं पड़ता है, क्योंकि रक्सैक में सारी चीजें ना बड़ी मिक्स हो जाती है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं इस तरीके के पाउचेस रखती हूँ जो कि आप आराम से इसके अंदर अपनी टॉयलेटरीज, अपना फेस वॉश, अपना शावर जेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें जो नॉर्मल होती है बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें होती है वो एक पाउच में आ जाती है। एक में आपका फर्स्ट एड आ गया, एक पाउच होता है जिसमें कि मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप चाहिए होता है लड़कियों को, क्रीम व्रीम ये सब रखना होता है, उसको एक पाउच में रखती हूँ। सो दैट सारी चीजें अलग 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 पाउचेस में हो जाती है और बहुत ही इजीली आपको मिल भी जाती है, आपको इधर उधर पूरा बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अप इज क्विक ड्राई टॉवल्स। क्विक ड्राई टॉवल्स इसलिए सही है क्योंकि वेदर अगर क्लाउडी ग्लूमी है तो क्विक ड्राई टॉवल्स आराम से बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, और ये कुछ मुझे 1-1.5 साल हो गए यूज करते हुए। ये बॉर्डर टाइप का है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना, इट्स वेरी नाइस। इस तरीके के टॉवल्स आपको डीकैथलॉन में भी मिल जाएंगे, सो दैट्स दैट। एंड देन क्विक ड्राई की बात कर रही हूँ तो क्विक ड्राई लेगिंग्स वगैरह भी आती है डीकैथलॉन और इस तरीके की स्पोर्ट्स ब्रांड में आपको मिल जाएगी। तो ये लेगिंग्स जैसे कि है, ये यहाँ की तो नहीं है, इंडिया की ब्रांड नहीं है ये, बट आई विल सी अगर इंडिया में ये वाला ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं, मैंने ये यूएस से लिया था। सो बहुत ही क्विक ड्राई वाला मटेरियल है, पहनो अगर गीले भी हो गए तो भी फटाफट से सूख जाता है, तो इट इज वेरी गुड। बाय सेइंग अबाउट द बॉटम पार्ट, टॉप के लिए भी मैं सेम बोलूंगी कि क्विक ड्राई वाले ऐसे पतले थोड़े से जर्सी वाले जो टी शर्ट होते हैं वो आप रखो अपने पास ड्यूरिंग मॉनसून, ड्यूरिंग योर ट्रैक्स, सो दैट कि उसमें स्वेट भी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होता है और आपको इचीनेस नहीं होगी बॉडी में, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाय सेइंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड फ्लशेबल वाइप्स, दो मैं वाइप्स के फेवर में ज़्यादा नहीं होती हूँ क्योंकि ये भी पॉल्यूशन ही फैलाते हैं, बट ये फ्लशेबल वाइप्स हैं जो कि गर्ल्स के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन दे आर इन देयर पीरियड्स और ट्रिप पे हो आप, तो डेफिनेटली आपको वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये फ्लशेबल वाइप्स है तो आप इनको आराम से फ्लश कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सेकेंड आई यूज इज पीच सेफ का इंटीमेट वॉश, जो कि मैं रेगुलर यूज नहीं करती हूँ, बट व्हेन आई एम ऑन माय पीरियड्स और मैं ट्रैवल कर रही हूँ ऑब्वियसली बहुत ही स्टिंकी और अजीब हो जाता है क्योंकि आई यूज मेंस्ट्रुअल कप, इतना ज्यादा नहीं होता है। पहले जब मैं पैड्स यूज किया करती थी तब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी क्योंकि पैड यूज करने से मुझे लगता था कि यार बहुत ज्यादा स्टिंक करता है, और मतलब वो हाइजीन डेफिनेटली आपको अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे हाइजीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटेन रखना। एंड या ऑब्वियसली माय मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि मैं सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करती हूँ, और मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था
कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या आप लोगों के सवाल थे, वो मैंने सब इंक्लूड किया था उस वीडियो में, तो उसका लिंक यहाँ कार्ड पर डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो वो वीडियो। एक और पर्सनल चीज है जो कि ये हेयर ड्रायर, रिसेंटली आई गॉट इट, बहुत ही छोटा सा है, डिसेंट जॉब करता है। अब इसका फायदा सिर्फ बाल सुखाने के लिए नहीं है हेयर ड्रायर का, इसके बहुत सारे फायदे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ठंड वाली जगह पे हो, इसमें ऑब्वियसली हॉट एयर आती है, तो आपका अगर पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, आपके सॉक्स गीले हो गए हैं, तो यू कैन जस्ट ड्राई दैट अप, और आप अपने कपड़े भी ड्राई कर सकते हो इससे इंस्टेंट, अगर आपको सुखाने हैं तो। बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, और छोटू सा है, बैग में फिट भी हो जाता है, इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। ये टॉर्च भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उनके लिए पहाड़ों पर जा रहे हो तब तो ज़्यादा, क्योंकि आप कौन कौन से रास्ते से होके अपने स्टे तक आते हो, वापस आते हो, आपको टॉर्च की ज़रूरत है। और वेदर खराब हुआ, लाइट चली गई, तो ऑब्वियसली टॉर्च वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव दिस पोर्टेबल पावर बैंक, जो कि ऐसे फोन रख दो चार्ज हो जाता है, बिकॉज मेरे पास है iPhone 13, तो इस तरीके का ये पावर बैंक है। पावर बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रैक पे जा रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं जा रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन घूम रहे हो तो डेफिनेटली पावर बैंक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दो चीजें आती है, पहली स्लीपर्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, स्लाइडर्स मैंने रखे हुए हैं, ये रिसेंटली आई गॉट इट, कलर आप देख सकते हो। एक तो हो गए आपके स्लीपर्स, और दूसरे हो गए आपके वाटरप्रूफ शूज, जूते जो कि कंफर्टेबल भी होने चाहिए, आपको ज्यादा चलना हो तो उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। एंड या गाइस, दिस इज इट, मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है, जितनी भी मैंने दिखाई इस वीडियो में, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसेंशियल व्हेन इट कम्स टू बैकपैकिंग। आप, मैं ट्रैकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल एक बैकपैकिंग ट्रिप की बात कर रही हूँ। आप नॉर्मल जैसे जाओ, और मॉनसून का टाइम है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। दो मैंने अम्ब्रेला मिस किया है, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं कैरी नहीं करती, क्योंकि आई हैव रेन जैकेट, तो मैं अम्ब्रेला हर जगह कैरी करना मुझे भी ऐसा प्रिफर नहीं करती हूँ मैं, तो अम्ब्रेला भी आप रख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर लव वंस, तो हाँ कोजी मोमेंट हो जाते हैं अम्ब्रेला के साथ। तो या दैट यू कैन कैरी इफ यू वॉन्ट। अभी के लिए बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, आप लोगों के लिए कहीं पे कुछ थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, इफ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और किस तरीके के वीडियो आप देखना पसंद करते हो मेरे चैनल पे ये भी जरूर बताना। अभी राइट नाउ आई एम इन मनाली, और यहाँ से मैं लाहौल जाने वाली हूँ 4-5 दिनों के लिए, तो या आगे अपकमिंग वीडियोज के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही सारे अमेजिंग कॉन्टेंट इज कमिंग। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून, टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।